हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राजस्थान हाई कोर्ट LDC का कल पेपर लीक हुआ था उसको लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर चालू हो गया है। हम दोस्तों आपको यहाँ पर लाइव कवरेज यहाँ पर बता रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट यहाँ पर शव यात्रा यहाँ पर निकाल रहे हैं सरकार की, क्योंकि सरकार के ऊपर लगातार यहाँ पर पेपर लीक के मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। रीट भर्ती, पटवार भर्ती, RS भर्ती, हर भर्ती में यहाँ पर पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। हाई कोर्ट की भर्ती काफ़ी लंबे टाइम बाद की गई थी तो भी यहाँ पर पेपर लीक के मामले यहाँ पर सामने आए। जयपुर में कई सेंटरों पर सील खुली हुई पाई गई थी, इसको लेकर के देख सकते हैं आप, छात्र यहाँ पर बिल्कुल ही गुस्से में यहाँ पर किस प्रकार से हजारों की तादाद में छात्र यहाँ पर, और यहाँ पर सुबह सुबह हल्की बारिश भी हुई थी उसके फिर भी छात्र लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि यहाँ पर भी जिन सेंटरों पर जो LDC पेपर की सील खुली हुई थी उन सेंटरों को यहाँ पर पाबंद किया जाए, उनको यहाँ पर बंद किया जाए, और यहाँ पर जिन सेंटरों पर उन छात्रों के यहाँ पर दोबारा एग्ज़ाम करवाई जाए। और सभी छात्रों की ये मांग है कि LDC भर्ती की दोबारा से यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से, आप यहाँ पर सुनिए यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है भयंकर रूप से। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी साथ साथ में चल रहा है और विरोध प्रदर्शन यहाँ पर लगातार चल रहा है। हम आपको कल से ही लाइव अपडेट दे रहे थे, कल भी किरोड़ीलाल मीणा जी आए थे छात्रों का आंदोलन में, क्योंकि छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है और लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन यहाँ पर चालू आ रहा है। लग रहा है कि पूरे राजस्थान में अब राजस्थान हाई कोर्ट के जो एग्ज़ाम है उसके आग यहाँ पर फेरने वाली है। पहले भी आपने देखा होगा रीट भर्ती में पेपर लीक के मामले को यहाँ पर सरकार को संज्ञान लेते हुए रीट के पेपर को यहाँ पर रद्द करना पड़ा, वो यहाँ पर देख सकते हैं। पीछे तक आप देखिए हज़ारों की तादाद में छात्र हैं और लगातार छात्रों का जमावड़ा यहाँ पर होता जा रहा है। जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, हर जगह यहाँ पर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है पेपर लीक को लेकर के। छात्रों का आरोप है कि इसमें जो भी छात्र है जिन्होंने पेपर लीक या फिर सील, जिन भी यहाँ पर सील खुली हुई पाई जाने के कारण भी यहाँ पर छात्रों का कहना है कि जहाँ पर भी जिन सेंटरों पर सील खुली पाई गई उन सभी छात्रों की यहाँ पर जांच करवाई जाए, जाके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दोस्तों आपको बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट LDC का मुद्दा भी अब सरकार के गले की हड्डी यहाँ पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो इसका जो एग्ज़ाम था हाईकोर्ट के द्वारा कराया गया था, लेकिन राजस्थान की ये भर्ती है तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर लगातार की जा रही है, भयंकर रूप से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, शव यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। आपको भी दोस्तों ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के द्वारा माध्यम से हमें भी विरोध प्रदर्शन करना है, क्योंकि लगातार सरकार की नाकामी यहाँ पर सामने आ रही, पेपर लीक को सरकार रोक नहीं पा रही, और सरकार के द्वारा जो कहा गया है कि इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन जो अपराधी है पेपर माफिया उनमें बिल्कुल भी डर नाम की यहाँ पर चीज़ सामने नहीं आ रही है। सरकार के द्वारा प्रस्ताव लाया जाना 10 करोड़ 10 साल की यहाँ पर सजा, उसके अलावा करोड़ रुपए का जुर्माना होने के बाद भी कल भी फिर भी यहाँ पर हाई कोर्ट LDC का पेपर लीक होना, दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है छात्रों के भविष्य पर। किस प्रकार से छात्रों ने 2 से 3 साल इंतजार किया एग्ज़ाम डेट का, और जब एग्ज़ाम यहाँ पर करवाया गया तो यहाँ पर सेंटरों पर सीलें खुली पाई गई, कई छात्र एग्ज़ाम नहीं दे पाए, कई छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दिए, इसको लेकर के आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर छात्रों का हंगामा लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन भी लगातार छात्रों की मॉनिटरिंग कर रहा है, कई पुलिस वाले जो कि यहाँ पर सिविल ड्रेस में भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन छात्रों का यही कहना है कि जब तक हर पेपर लीक में सरकार के द्वारा अपराधियों को पकड़ नहीं लिया जाता वहाँ तक हमारा आंदोलन थमने वाला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन के साथ में सुबह सुबह यहाँ पर छात्र डटे हुए हैं हाई कोर्ट एग्ज़ाम के विरोध प्रदर्शन के रूप में। हाई कोर्ट ही जब अपने एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहा है तो आप समझ सकते हैं फिर दूसरे एग्ज़ाम RPSC अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर सही रूप से करवा पाएंगे। दोस्तों वीडियो सही लगे तो शेयर करना, धन्यवाद।